हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 2 पूर्ण संख्या है और उसमें प्रश्नावली 2.1। तो विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 2.1 के सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक सभी सवालों को सरल एवं आसान तरीके से हल करेंगे, समझते हुए हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसके साथ अपनी जो आपकी बुक है वह निकाल लीजिए, उसमें हम एक एक सवालों को समझते हुए हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कि जीरो से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो हम एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या होती है और पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछे तो वो एक है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो वो जीरो है। आगे समझ में, तो हम इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के जो सवाल हैं उन सवालों को हम बिल्कुल सरल तरीके से समझते हुए हल करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, गणित में हम जितना ज़्यादा समझते हैं उतना ही हम उस गणित को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। तो गणित में हमें रटना नहीं है, गणित में हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हम सवालों को अधिक से अधिक समझते हुए हल करें। तो विद्यार्थी, हम यदि केवल कॉपी कर लेंगे तो उससे हमारा गणित समझ में आने वाली नहीं है। गणित में हमें क्या करना है? समझना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें गणित में समझते हुए सवालों को हल करना है। आगे समझ में, तो विद्यार्थियों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम हल करते हैं प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.1 सवाल नंबर 1। दस हजार नौ सौ निन्यानवे के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। विद्यार्थियों, या हम प्राकृत संख्या लिखेंगे 10,999 के आगे की, तो हम इसे हल करते हैं। देखिए 10,999, इसमें यदि हम एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 11,000। तो हम ये लिखेंगे 11,000। अब 11,000 में हम एक जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 11,001। 11,001 में हम एक जोड़ेंगे हम प्राप्त होगा 11,002। तो विद्यार्थी, इस प्रकार से 10,999 के आगे की तीन प्राकृत संख्याएं 11,000, 11,001, 11,002। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, दस हजार एक से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। विद्यार्थियों, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखनी है। तो विद्यार्थी, यहाँ
इस सवाल में बाद की थी, इसमें पहले की पूर्ण संख्या लिखनी है, तो हम लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, 10001 में से हम एक कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10000। यदि हम 10000 में से एक और कम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 9999। 9999 में से हम एक और कम करेंगे 9998। तो ये 10001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो विद्यार्थियों सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, हम जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 यानी शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। और सबसे छोटी यदि प्राकृत संख्या पूछते हैं तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी 0 है। आ गया समझ में, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, चौथा, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, विद्यार्थियों में 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्याएं बतानी है, तो हम इन दोनों के बीच की पूर्ण संख्या लिख लेते हैं और उनकी संख्या बता देंगे। तो यहाँ 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्या लिखेंगे, 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, आगे आ जाएगा 53। तो 32 और 53 के बीच में ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम इनकी संख्या लिखेंगे। 33 से हम गिनेंगे 52 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितनी संख्या हैं, 20। तो हम लिख देंगे 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं हैं। और ये हमारे इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, पांचवा, निम्न के परवर्ती लिखिए। तो विद्यार्थियों अब जो नीचे संख्या दी हुई है इनके में परवर्ती लिखना है। परवर्ती किसे कहते हैं, बाद की संख्याएं।
तो यहां ए है, इस संख्या को हम पढ़ेंगे और फिर हम इसका परवर्ती लिखेंगे। देखिए संख्या पढ़ने के लिए हम कोमा लगा देते हैं, पीछे से तीन के बाद कोमा, फिर दो के बाद कोमा, इस प्रकार से इकाई, दस, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, चौबीस लाख, चालीस हजार, सात सौ एक। तो इसका परवर्ती, इसका परवर्ती लिखेंगे, इसमें हम एक जोड़ के इसकी अगली संख्या प्राप्त करेंगे। तो अगली संख्या आएगी चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ दो। इस संख्या की परवर्ती है ये वाली संख्या। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल हैं, इनमें भी ऐसे ही करेंगे। बी, बी में देखिए अब इस संख्या को पढ़ेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, हजार दस हजार, लाख एक लाख एक सौ निन्यानवे का परवर्ती, इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ एक लाख दो सौ प्राप्त हो जाएगा, एक लाख दो सौ। तो इसका परवर्ती है एक लाख दो सौ। विद्यार्थियों अगला इसमें सी, इसे पढ़ेंगे हम, इकाई दाई सैकड़ा, अल्पविराम, हजार दस हजार, अल्पविराम, लाख दस लाख, दस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे। तो इसका परवर्ती, इसका हमें परवर्ती ज्ञात करना है, इसमें हम एक जोड़ेंगे तब कितना प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये प्राप्त होगा दस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे में एक जोड़ेंगे तो ग्यारह लाख प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम ग्यारह लाख, इसका परवर्ती है ग्यारह लाख। अगला है डी, इस संख्या को पढ़ेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, अल्पविराम, हजार दस हजार, अल्पविराम, लाख दस लाख, तेईस लाख पैंतालीस हजार छह सौ सत्तर। तो इसका हम परवर्ती ज्ञात करेंगे, का परवर्ती, इसका परवर्ती होगा, इसमें हम एक जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों कितना प्राप्त हो जाएगा, तेईस लाख पैंतालीस हजार छह सौ इकहत्तर। तो ये थे परवर्ती, तो हमने परवर्ती संख्या प्राप्त की। अब जो अगला सवाल है छठा, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अब विद्यार्थी हम इसमें हमने परवर्ती लिखा, बाद की संख्या लिखी, पूर्ववर्ती होता है ठीक पहले की संख्या। यहां देखिए ए है, संख्या लिखी हुई है चौरानवे, तो चौरानवे का पूर्ववर्ती, चौरानवे में से एक कम कर दो कितना होगा तिरानवे, तो इसका पूर्ववर्ती होगा तिरानवे। इसी प्रकार से हमें दूसरे संख्या दे रही है, इनमें भी लिखना है, दस हजार का पूर्ववर्ती, दस हजार का पूर्ववर्ती, दस हजार में से हम एक कम कर देंगे, नौ हजार नौ सौ निन्यानवे।
इसी प्रकार से सी ए इक्कीस दई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दो लाख आठ हजार नब्बे इसका पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा दो लाख आठ हजार नवासी, दो लाख आठ हजार नवासी। अगला है डी संख्या पढ़ेंगे इक्कीस दस सैकड़ा अल्पविराम हजार दस हजार अल्पविराम लाख दस लाख छिहत्तर लाख चौवन हजार तीन सौ इक्कीस का पूर्ववर्ती, इस संख्या का पूर्ववर्ती कौन सा होगा छिहत्तर लाख चौवन हजार तीन सौ बीस। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर सात, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो विद्यार्थियों आपको कौन सी संख्या किसी अन्य संख्या के बाईं ओर, विद्यार्थियों इस तरफ होता है दायां और इस तरफ होता है बायां, तो आपको बाईं ओर वाली संख्या बतानी है और बड़ा छोटे में से चिन्ह लगाना है। इस चिन्हों को विद्यार्थियों मैंने आपको पहले भी बताया, जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या, जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी संख्या होगी। आगे समझ में? तो विद्यार्थियों इसमें देखते हैं ए वाला संख्या लिखी हुई है 530 और 503। तो विद्यार्थियों ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, तो यहाँ 503 530 के बाईं ओर होगा, यानी इस तरफ कौन सी आएगी ये संख्या इस तरफ होगी। जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो ये 530 इस तरफ आएगा और 503 इस तरफ आएगा, तो हम लिखेंगे इसका हल 503
संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। देखिए 503 है, 530 के इस तरफ होगी यानी बाईं तरफ होगी, तो ये हम बताते हैं। अब हमें इनके बीच में चिन्ह लगाना है, तो हम यहाँ देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, 503 इस तरफ लिखेंगे और 530 इस तरफ लिखेंगे। ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी, तो इस प्रकार से हम चिन्ह लगाएंगे। यानी संख्या रेखा पर बड़ी संख्या इस तरफ होती है, छोटी संख्या इस तरफ होती है, तो 503 530 से छोटी है, तो ये इसके बाईं ओर स्थित होगी। इसी प्रकार से हमें अगले सवाल भी करने हैं। आगे विद्यार्थियों समझ में? चलिए अगला है इसी में बी, संख्या लिखी हुई है 370 और 307। अभी देखिए 370 बड़ी है, 307 छोटी है, तो छोटी संख्या बाईं ओर आएगी, हम हल लिखेंगे इसका भी। 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है, तो ये 307 के बाईं ओर स्थित है। विद्यार्थियों इसमें भी चिन्ह लगाएंगे, 307 इस तरफ लिखेंगे, 370 इस तरफ लिखेंगे और ये चिन्ह लगाएंगे, छोटी संख्या इस तरफ, बड़ी संख्या इस तरफ। इसी प्रकार से अगला है सी, संख्या दे रखी है 98,765 और 56,789। अब इसमें देखिए कौन सी छोटी है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो हम इसका हल लिखेंगे 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है, ये संख्या इसके बाईं ओर स्थित है। और अब चिन्ह कैसे लगाएंगे, 56,789 और इस तरफ लिखेंगे 98,765, तो हम चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, छोटी संख्या बाईं ओर होती है। आगे समझ में? अगला है डी, विद्यार्थियों डी में संख्या दे रखी है 91,10,000,10,00,98,30,415 और संख्या दे रखी है 91,10,000,10,00,98,30,415 लिखेंगे ताकि आपको ये दोनों संख्याएं मिक्स नहीं हो। इस संख्या को पढ़ेंगे 91,10,000,10,00,01,00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 ,
तो देखिए ये है 98,30,415 और ये है 1,23,000 1,23,001। तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो छोटी संख्या बाई ओर होगी, तो हम हल लिखेंगे इसका 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। ये संख्या इसके बाईं ओर स्थित होगी, छोटी संख्या बाईं ओर स्थित होती है। अब यहां इनके बीच में हम चिन्ह लगाएंगे,
विद्यार्थी, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी है, छोटी संख्या बाईं ओर स्थित होती है। आ गया विद्यार्थियों समझ में? अब विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, हम अगला सवाल हल करते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? और कौन से कथन असत्य हैं? विद्यार्थियों कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? हमें जो नीचे कथन दे रखे हैं, इन कथनों को भलीभांति ध्यानपूर्वक समझना है और समझ करके उनमें से सत्य और असत्य बताना है। ए है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो विद्यार्थियों क्या ये कथन सत्य है? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो विद्यार्थी हमें पता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, शून्य नहीं, तो ये कथन क्या होगा? असत्य हो जाएगा, ये कथन असत्य है। अगला है बी, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। विद्यार्थियों बताइए क्या 399 का पूर्ववर्ती है? 399 का पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या 398 होती है, 400 नहीं, ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। सी है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो विद्यार्थी बिल्कुल सही, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। या प्राकृत संख्या बताया था, प्राकृत संख्या सबसे छोटी एक है और पूर्ण संख्या सबसे छोटी शून्य है, ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन सत्य हो जाएगा। यह आपके सवाल नंबर 3 में भी था। अगला है डी, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो विद्यार्थियों 600 संख्या 599 का परवर्ती, 599 का परवर्ती, 599 के बाद आने वाली संख्या 600 है, बिल्कुल सही, ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। तो हम सत्य लिखेंगे। अगला है ई, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं,
विद्यार्थी बताना है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो विद्यार्थी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती हैं, तो वे सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, यह कथन सत्य है। अगला है एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। सभी पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है और प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, तो यह कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। आया विद्यार्थी समझ में? अगला है जी, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, जैसे देखिए सवाल को समझिए, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती यानी पहले का अंक, पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। विद्यार्थियों दो अंकों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 10 से, और कहां तक? 99 तक। 10 से 99 तक की जो संख्याएं हैं वो दो अंकों की पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती पहले का जो संख्या है, एक अंक की संख्या कभी नहीं होगी। जैसे कि 10 है, 10 का पूर्ववर्ती 9 होता है जो एक अंक की संख्या है, तो हो सकती है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। आ गया समझ में? अगला है एच, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। विद्यार्थियों एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं, यह कथन असत्य है क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो यानी शून्य। यह कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो है आठवें का आई, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। विद्यार्थियों प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, तो एक का कोई पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या नहीं होता है, हम ये लिखेंगे यहां सत्य है। ये कथन सत्य है। अगला है जे, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता।
पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो, तो एक का पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या जीरो यानी शून्य होती है। तो यह कथन क्या दे रखा है? असत्य। अगला है के पूर्ण संख्या 13 संख्याओं ग्यारह और बारह के बीच में स्थित है। विद्यार्थियों पूर्ण संख्या जो 13 है क्या 11 और 12 के बीच में स्थित है? तो विद्यार्थी 11 और 12 के बीच में नहीं, 12 के बाद में आती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। अगला है एल पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो ही है, तो जीरो से पहले कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य होगा। अगला है एम दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। विद्यार्थी इसे देखिए, समझिए कि दो अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती यानी बाद की संख्या, सदैव दो अंक की एक संख्या होती है। विद्यार्थियों जैसे देखिए, दो अंकों की संख्या 10 से 99 तक चलती है, तो 99 के बाद की जो परवर्ती संख्या है 100 है, जो तीन अंकों की संख्या है। तो यानी ये कह रहा है कि सदैव दो अंकों की संख्या ही होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि तीन अंक की संख्या भी होती है। तो ये कथन कि सदैव दो अंक की संख्या ही होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 6 अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी और इसमें प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को हमने हल किया। सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक सभी सवालों को हमने समझते हुए सरल तरीके से हल किया। तो विद्यार्थियों आप भी इन सवालों को समझते हुए सरल तरीके से हल जरूर कीजिए और गणित में अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हमें अभ्यास बेहतर बनाता है। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।